हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको ईवीएस का स्टैंडर्ड सेकंड का चैप्टर नंबर 14 नेशनल फेस्टिवल सिखाने जा रही हूँ। स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमारा नेशनल फेस्टिवल क्या है। इसके पहले मैंने आपको फेस्टिवल्स के बारे में सिखाया था, बट आज हम नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में सिखाएंगे। नेशनल फेस्टिवल्स मीन्स जो हमारा पूरा नेशन सेलिब्रेट करता है, मीन्स जैसे हम इंडिया कंट्री में है तो हमारी पूरी इंडिया कंट्री में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों। ओके, चलिए, वी ऑल्सो सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स। हम नेशनल फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करते हैं। आर नेशनल फेस्टिवल्स आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। ओके, हमारे नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से हैं? अगर आपको पूछा कि नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से हैं, तो क्या क्या बताना है आपको? एक तो है इंडिपेंडेंस डे, दूसरा है रिपब्लिक डे एंड थर्ड है गांधी जयंती। ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स है। ओके, इंडिपेंडेंस डे के बारे में पहले सीखते हैं। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 15th ऑफ अगस्त एवरी ईयर। देखिए, हर साल ये जो डे है इंडिपेंडेंस डे का, वो 15th ऑफ अगस्त को आता है। ऑन दिस डे इन 1947 इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, दैट इज वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। आपको पता है कि हमें फ्रीडम मिला था 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। इंडिया जो है, इंडिया को आज़ादी मिली थी किससे? तो ब्रिटिश रूल से। ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करते थे, हमें इनसे फ्रीडम मिला। ओके, चलिए, यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिख रहा है स्टूडेंट। ऑन दिस डे द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड एट द नेशनल एंथम इज संग इन एवरी नेबरहुड। देखिए, इस दिन नेशनल फ्लैग को होस्ट किया जाता है। देखिए, यहाँ पे नेशनल फ्लैग दिख रहा है आपको, ये होस्ट किया जाता है एंड द नेशनल एंथम और नेशनल एंथम गाया जाता है। हमारा नेशनल एंथम आपको पता है क्या है? जनगणमन। तो जनगणमन जो है कि उसे संग गाया जाता है एवरी नेबरहुड, हर मोहल्ले में, हर आस पड़ोस में किया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर होस्ट नेशनल एट द रेड फोर्ट। ये क्या है? तो ये रेड फोर्ट है, यहाँ पर ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इस दिन फ्लैग को होस्ट करते हैं। ये कहाँ पर है रेड फोर्ट? दिल्ली में है। ओके, इन दिल्ली, दिल्ली में है ये। फ्लैग होस्टेड एंड मार्च पास्ट आर हेल्ड इन ऑल स्कूल्स। और इस दिन क्या किया जाता है कि नेशनल फ्लैग को होस्ट किया जाता है और मार्च भी किया जाता है, मार्च पास्ट किया जाता है, जो कि हर स्कूलों में ये मार्चिंग की जाती है। ओके, तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक डे, अब देखते हैं रिपब्लिक डे क्या है। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 26th ऑफ जनवरी एवरी ईयर। हर साल 26 जनवरी के दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। देयर इज अ ग्रैंड परेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। इस दिन ग्रैंड परेड होती है, बहुत बड़ी परेड होती है। देखिए, इसे परेड कहते हैं, ग्रुप में ये जो हमारे सैनिक लोग हैं वो ग्रुप में ऐसे करते हैं। सो परेड होती है, आर्म्ड फोर्स भी वहाँ पे होते हैं, पुलिस होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, स्कूल चिल्ड्रन ऑन राजपथ इन न्यू दिल्ली। तो ये न्यू दिल्ली के राजपथ पे होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट। और उस दिन जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया टेक द सैल्यूट, वो सैल्यूट लेते हैं। फोक डांसेस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो टेक पार्ट इन द कलरफुल इवेंट्स। ओके, और इस कलरफुल इवेंट में बहुत सारे स्टेट के अलग अलग जो डांस होते हैं वो प्रेजेंट किया जाता है। नेशनल ब्रेवरी अवार्ड इज गिवन टू चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज फॉर द आउटस्टैंडिंग डीड्स। और आपको पता है स्टूडेंट की यहाँ पे ना जो 16 ईयर्स से कम एज के जो बच्चे हैं उनको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है अगर उन्होंने कुछ आउटस्टैंडिंग डीड किया है, जैसे कि किसी को जलने से बचाया है या कुछ चोरी से बचाया है या जो भी अपने किसी भी फ्रेंड को किसी चीज़ से बचाया है, उसकी जान बचाई है। तो ऐसे अगर 16 ईयर से कम बच्चे करते हैं तो उनको इस दिन नेशनल ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है। ओके, तो उनको एक एनकरेजमेंट भी मिलती है। ओके, अच्छा काम करने के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्या है? गांधी जयंती। गांधी जयंती फॉल्स ऑन द 2nd ऑफ अक्टूबर। गांधी जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 2nd ऑफ अक्टूबर को एवरी ईयर, हर साल। इट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। और इस दिन क्या होता है, हमारे जो महात्मा गांधी जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलाया है उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं, मीन्स उनके बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं। द फादर ऑफ द नेशन। और आपको पता है कि गांधी जी को हम फादर ऑफ द नेशन के नाम, हम फादर के नाम से, मतलब कि पूरे नेशन
नेशन के ये फादर थे, उनको फादर कहा जाता है पूरे नेशन का। ऑन दिस डे प्रेयर मीटिंग्स आर हेल्ड एट दिस समाधि एट राजघाट न्यू दिल्ली। और इस दिन प्रेयर मीटिंग होती है और इनकी समाधि पे कहाँ पे, राजघाट जो कि न्यू दिल्ली में है। डू यू नो आवर नेशनल एंथम जनगण मन वॉज कम्पोज बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। और आपको पता है बच्चों कि हमारा जो नेशनल एंथम है जनगण मन, वो किसने कम्पोज किया है, किसने बनाया है, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। आप रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, आगे है स्टूडेंट क्लासरूम एक्टिविटी, मेक अ चार्ट ऑफ आवर नेशनल एम्बलम, नेशनल फ्लैग, नेशनल एनिमल एंड नेशनल बर्ड एंड डिस्प्ले इट ऑन द क्लास बोर्ड। आपको चार्ट बनाना है अपने नेशनल एम्बलम का, जो कि आपको पता है अशोका है हमारा, फिर नेशनल फ्लैग है हमारा तिरंगा, फिर नेशनल एनिमल है हमारा टाइगर एंड नेशनल बर्ड है पीकॉक। ये आपको डिस्प्ले करना है क्लास बोर्ड पे। तो इस चैप्टर से आपको स्टूडेंट क्या रिमेंबर, क्या याद रखना है, तो फर्स्ट वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th ऑफ अगस्त, ये याद रखना है कि हम 15th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करते हैं 15th ऑफ अगस्त को। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26th जनवरी, और 26th जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। गांधी जयंती फॉल्स ऑन द 2nd ऑफ अक्टूबर, और गांधी जयंती हम 2nd अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। तो इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो मैं अगली वीडियो में दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।